भाई अब क्या होगा ई स्पोर्ट्स का? हाँ वही फ्री फायर इंडिया वाला ई स्पोर्ट जिसकी तुम उम्मीद लगा के बैठा थे 2-3 महीने से। योर क्वेश्चन मतलब कि नहीं कभी होगा क्या यार? देखो आई नो मैं काफी लेट हूँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, बट हाँ मैं कुछ ऐसा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो तुम्हें पता नहीं है। जैसे कि यार एक्चुअली में फ्री फायर इंडिया रिमूव क्यों हुआ, हाँ मैं रीजन दूंगा एंड कब हुआ, कैसे हुआ, ओके फिर कब तक आएगा ये एंड इवन इसका ई स्पोर्ट्स के ऊपर क्या इंस्टेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके कि ई स्पोर्ट्स का क्या होगा इससे एंड फ्यूचर में क्या होगा, जो भी उम्मीद लगे बैठे थे प्लेयर्स उनका क्या होगा। ओके तो करते वीडियो का स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। तो अगर तुम नए हो तो करना वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। एक क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो देखो मुझे 1 घंटे पहले ही पता लगा कि यार फ्री फायर इंडिया को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। ओके तो पहला यार आई कैन बिलीव कि सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो मैं क्या सर्च एंड मेरे को पता चला सच में ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं जा रहा सबसे पहले फ्री फायर इंडिया का ऑफिशियल पेजेस पे, बिल्कुल मैं पहले यूट्यूब पे सर्च नहीं करता यार, इंस्टाग्राम चेक किया मैंने, उसका ट्विटर चेक किया, फेसबुक एंड यूट्यूब सब जगह किया, कहीं ना कहीं कोई अपडेट मिला हो फ्री फायर इंडिया वालों की तरफ से ऑफिशियली यार एक्चुअली में सीन क्या हुआ। ओके बट मुझे ऐसा कुछ अपडेट नहीं मिला किसी ने, मतलब फ्री फायर इंडिया वालों ने खुद ही मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, कोई रीजन दिया नहीं है, ठीक है। और जब मैं जाके यूट्यूब पे एक रैंडम सर्च किया कि यार फ्री फायर इंडिया क्यों रिमूव हुआ प्ले स्टोर से, वहाँ पे हजारों वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं पिछले 3-4 घंटे के अंदर एंड मैंने एक चीज देखा कि यार किसी भी वीडियो में ना एक प्रॉपर रीजन नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि क्यों हुआ, सब बस अपना ज्ञान वहाँ दिए जा रहे हैं वहाँ पे, सब हजारों व्यूज बहुत सारे व्यूज कमा रहे। ओके एंड जो कि यूजलेस है यार, एंड तुम लोग भी सर्च करना बंद करो, ठीक है। एंड एक चीज पहले जेन्युइन फैक्ट बताऊं, फ्री फायर इंडिया अभी के लिए वहाँ से क्यों रिमूव हुआ पता है तो मैं इसका रीजन किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा किसी को भी नहीं पता होगा, इवन मुझे भी नहीं पता है, मैं तुम्हें कह रहा जो सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बस एक ही सजेशन दूंगा कि यार फ्री फायर इंडिया के जो भी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स है ना उसको फॉलो करके रखो, ठीक है, ताकि जिससे कोई भी जैसे ही अपडेट आए इससे रिलेटेड तो तुम्हें सबसे पहले मिले अपडेट। ओके एंड अगर कोई अपडेट नहीं आया तो ऑफिशियली तो यार फिर तुम समझ ही लो इस जिंग पे कुछ नहीं हो सकता जो कि ऑलरेडी चल रहा है 2-3 महीनों से, पागल बनाया जा रहा है, खैर जो कुछ भी है। बट एक ही सजेशन दूंगा कि यार फालतू के वीडियोस देखना बंद करो, ठीक है, इससे रिलेटेड अभी इस वीडियो को देखो क्योंकि मैं कुछ अलग बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ऑफ कोर्स तुम वेट करो एंड अभी तो तुमको लग रहा होगा कुछ ना कुछ डिफरेंट तो है। दूसरी बात, फ्री फायर इंडिया कब तक प्ले स्टोर पे वापस आएगा? देखो अब इसका कोई ना आता पता नहीं है, ओके बट पर्सनली इन माय ओपिनियन मैं इतना बता दूं कि फ्री फायर इंडिया वापस तो गारंटीड आएगा, ठीक है, क्योंकि यार इतना बड़ा कोलैब जो भी वो भी लैन इवेंट में इतने बड़े यूट्यूबर्स एंड इवन सुनील छोत्री फुटबॉल प्लेयर्स के साथ हुआ था, ठीक है, सितंबर के महीने में जब फ्री फायर इंडिया आने वाला था पहली बार। ओके फिर एमएस धोनी के साथ कोलैब वाला सीन आया था फ्री फायर मैक्स के अंदर, वो नोटिफिकेशन जो आता है फ्री फायर इंडिया इज ए बैटल रॉयल गेम, दोबारा मर जाओ तो फिर रो मत, प्लेयर टाइम रिस्ट्रिक्शन आया, फिर तुम्हारा वो भी एवर वेटिंग वगैरह चीजों भी था एंड फिर हेडशॉट कलर चेंज वाले भी आए, ऐसे काफी सारे और भी चेंजेस देखने को मिले अपने को गेम के अंदर पिछले 2-3 महीने में, जो कि कंफर्म करता है कि हाँ फ्री फायर इंडिया को तो आना ही आना है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फ्री फायर इंडिया जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज उसको फॉलो करने का ट्राई कर रही है एंड बाय द टाइम वो आ ही जाएगी, इसका वेट करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो ऑफकोर्स यार वेट करो एंड बकवास चीजों पर ट्रस्ट करना बंद करो, सिर्फ ऑफिशियल ट्रस्ट करो। ओके अभी देखो इसका ई स्पोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, ठीक है। अब देखो पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ई स्पोर्ट्स से मेरा मतलब क्या है, कि मेरे ओपिनियन में ई स्पोर्ट्स है क्या, तो देखो मेरे ओपिनियन में मतलब मेरा मतलब सिर्फ ई स्पोर्ट्स से वही 15-20 टायर 1 टीम्स नहीं है, ओके, जिसको तुम देख के ई स्पोर्ट्स समझते हो खुद को या जो भी तुम ई स्पोर्ट्स मानते हो, खैर जो कुछ भी है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। ई स्पोर्ट्स से मेरा मतलब है कि यार हर वो एक प्लेयर जो ई स्पोर्ट्स से डेडिकेटेड है, ओके, जो फ्री फायर के अंदर जिनको कुछ करना है, ओके, जो प्लेयर्स अपना टाइम स्टडी अपने काम को छोड़ के सैक्रिफाइस करके ई स्पोर्ट्स को टाइम दे रहे, गेम के अंदर ग्राइंड कर रहे डेली में घंटों घंटों, उनके वो है रियल ई स्पोर्ट्स, ओके, मेरे ओपिनियन में। अनटिल अनलेस ऑफिशियल टूर्नामेंट ना आ जाए, कोई टायर 1 टीम नहीं बन जाए, तब तक कोई मैं नहीं मानता, ठीक है, खैर जो कुछ भी है। फ्री फायर इंडिया एक लौती उम्मीद है, ओके, कि यार अगर समय रहते ये आ गया तो यार उन लाखों प्लेयर्स का कैरियर बन जाएगा कहीं ना कहीं फ्री फायर इंडिया के अंदर, एंड अगर ये गेम नहीं आया तो यार मैं खुद गेम छोड़ दूंगा, मैं तो कह दे रहा पहले ये, ठीक है, क्योंकि यार देखो जब गेम बैन हुआ था ना तब से मैं अभी तक वेट करते आ रहा हूँ, मैं खुद वेट करते आ रहा हूँ, फ्री फायर इंडिया फाइनली आने वाला था एंड यही एक लास्ट उम्मीद है, मुझे भरोसा है फिर से कि फ्री फायर इंडिया ऑफ कोर्स आएगा। ओके अभी सीरियसली ये रिमूवल जो हुआ है ना फ्री फायर प्ले स्टोर से, जो भी ये हटा है ना भाई, इससे मतलब काफी डीमोटिवेटिंग है, ठीक है यार, ऑफ कोर्स मैं भी काफी डीमोटिवेट हो गया कि भाई अब क्या होगा, अब तो कुछ आइडिया भी नहीं है, कोई ट्रस्ट ही नहीं है, बट फिर गेम के अंदर जो चेंजेस है या फिर वो लैन इवेंट वगैरह कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्मीद जगाती है कि हाँ भाई गेम तो ऑफकोर्स आने, कुछ ही दिक्कत हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा बाय द टाइम, मेरे को ट्रस्ट है, ठीक। अभी देखो इससे होगा क्या कि यार ऑफकोर्स लोगों का जो भी प्लेयर्स अपने यहाँ ग्राइंड कर रहे थे घंटों घंटे, उनके मतलब उनका दिल और दिमाग दोनों टूट जाएगा, ठीक है, एंड इवन टूट गया है तो यार तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे सजेशन देखो मैं फ्यूचर में
तुम्हें अभी के लिए जब तक गेम नहीं आता तो पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो अगर तुम क्लास 10th या 12th का बोर्ड देने वाले हो इस साल, ओके, सर मैं तुम्हें एक ही सजेशन दूंगा कि यार प्ले टाइम को 2 से 3 घंटा मैक्सिमम रखो, 2 से 3 घंटे से ज्यादा गेम मत खेलो, ठीक है, क्योंकि यार तुम्हें पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर अभी तुम बोर्ड तक अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है, थोड़ा टाइम दोगे पढ़ाई में, तो ऑफकोर्स तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, एंड जब फ्री फायर इंडिया आएगा तो तुम ऑफकोर्स तुम्हें सपोर्ट मिलेगा पेरेंट्स से कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ाई करी थी, तो भी यार समझ रहे हो कुछ मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड ऊपर से देखो अभी ये गेम जो भी सिचुएशन अभी होके रखा है ना अपने स्पोर्ट्स के अंदर, वो उतना डिजर्व नहीं करता कि यार कोई प्लेयर आके 7-8 घंटे वेस्ट करे एंड कुछ उसको बेनिफिट भी ना मिले, ओके। अब देखो उस 2-3 घंटे में तुम्हें करना क्या है, अभी तुम 2-3 घंटे में जस्ट बिकॉज तुम मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो बता दो तुमको मैं कराता हूं लॉयलिटी स्क्रीम्स जिसको तुम खेल सकते हो, जो फ्री और पेड दोनों होते हैं। एंड देखो मैं खुद लाइव कास्टिंग करके देता हूं, ठीक है, सिर्फ लाइव कास्टिंग नहीं, इसके लिए नहीं कह रहा कि सिर्फ लाइव कास्टिंग के लिए खेलो, नहीं, मैं तुम्हें ऐसी कास्टिंग करके दूंगा एंड ऐसे 4K स्ट्रीम करता हूं मैं, ठीक है, प्रॉपर ओवरलेस तुम्हारी स्लॉट लिस्ट के साथ कि भाई तुम्हें भी मजा आ जाएगा, ठीक है, GFX रिजल्ट्स मिलता है। एंड सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी एक एक गलतियों को मैं बताता हूँ एंड उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देता हूँ, ठीक है, एंड मैं अगले दिन वीडियो बना के देता हूँ कि भाई हाँ ऐसा कल स्क्रीम्स हुआ था, ऐसा कि इस टीम ने अच्छा किया, इस टीम ने खराब किया, ये गलती थी, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि बाकी लोग कोई करता नहीं है। एंड देखो अभी सीन बस यहीं रुकता नहीं, ओके, सब कुछ फ्री में कर देता हूँ, इतनी सारी चीजें या डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना, काफी सारे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक दिया है, जैसे कि फाइंड टीम वाली, तुम टीम कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है, प्लेयर कैसे ढूंढोगे अपनी टीम के लिए, फिर लॉयलिटी स्क्रीम्स भी वाली की, फिर लॉयलिटी पेड स्क्रीम्स की जो भी है, तो चेकआउट कर लेना एक बार। तो फिर गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो डॉट बेस यू, तो ठीक है भाई गाइस, हम अच्छे कब्जे एंड लो भाई खत्म पूरी डेडलॉक सभी के, अभी के डेडलॉक सब जानते हैं, नहीं डेडलॉक्स फिर से क्लच, बस एक और अरे यूज इज अ डेडलॉक्स।